नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्रूट मेकर, जीन डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आप मुझसे बांसुरी परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वेल टून बांसुरियाँ और कम कीमत में। ये बनाई है आज मैंने 20 शंख की बांसुरी। इसकी लंबाई लगभग 36 इंच के आसपास है और ये लेफ्ट हैंड की बांसुरी बनाई है मैंने। बांसुरी जाएगी आउट ऑफ कंट्री। ये मेरा ये मैंने बांसुरी ये यूएसए जाएगी। मिस्टर परेश सोलंकी जी ने ऑर्डर दिया है। दो बांसें बनवाई उन्होंने और फिलहाल तो अभी एक ही बनी है, एक अभी कल बनेगी। तो इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। ये बी शंख सफ़ेद सात की बांसुरी है, एकदम लोअर साउंड जो रहती है। तो आइए सुनते हैं इसकी आवाज़। ये बांसुरी हमने काफ़ी कस्टमाइज कर दिया है इस बांसुरी को। ये बांसुरी के जो होल्स हैं आप देख सकते हैं, ये मैंने सी शार्प बेस की बांसुरी के बराबर कर दिए हैं। जिन लोगों को पहले बजाने में तकलीफ हुआ करती थी बी संख की बांसुरी, अब वो इजीली बजा लेंगे। ये बांसुरी के जो होल हैं सी शार्प बेस, जो लगभग 34.5-33 इंच की बांसुरी होती है, उसके बराबर मैंने इसके ये फिंगरिंग होल कस्टमाइज करके बना दिए हैं। आराम से आप 20 अंक की बांसुरी बजा सकते हैं। और काफ़ी दोस्तों को ये नहीं पता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होता है, अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। गलत ऑर्डर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं चेंज कर दो, तो बांसुरी बनाने के बाद चेंज नहीं हो पाती है। उससे पहले आप थोड़ा सावधान रहें, अपने हिसाब से जब आपको बांसुरी बनवानी है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो फ्लूट मेकर को बताएं कि आपको लेफ्ट हैंड चाहिए या राइट हैंड चाहिए। अगर आपने लेफ्ट हैंडेड नहीं बताया है तो फ्लूट मेकर राइट हैंड की ही बांसुरी बनाते हैं, क्योंकि 95% प्लेयर हैं वो राइट हैंडेड ही हैं। 5% जो प्लेयर हैं वो सिर्फ लेफ्ट हैंडेड हैं, वो स्पेशल बताते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड की बांसुरी चाहिए। आप जितनी बार भी फ्लूट मेकर को ऑर्डर करें, चाहे किसी को भी करें, आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप लेफ्ट हैंड हैं राइट हैंड हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या होता है, बांसुरी बजाते समय नीचे वाले तीन छेद पर, ऊपर वाले भूल जाइए, नीचे वाले तीन छेद पर आपका लेफ्ट हैंड होता है तो आप लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं। और बांसुरी बजाते समय आपका नीचे वाले तीन होल पर राइट हैंड होता है तो राइट हैंडेड प्लेयर है। ये सीधी सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोगों से पूछते हैं तो हमारा ऊपर राइट हैंड होता है, हमारा ऊपर लेफ्ट हैंड होता है, ऐसे बताते हैं। कुछ नहीं बताना, नीचे वाले तीन छेद पर हमारा उल्टा हाथ होता है तो हम लेफ्ट हैंडेड हैं, हमारा सीधा हाथ होता है तो हम राइट हैंडेड प्लेयर हैं। एक सिंपल सी भाषा है। और बांसुरी का ऑर्डर देते समय ये सब चीज़ ज़रूर बताइए। और एक अभी और एक कस्टमर की इंक्वायरी थी मेरे पास में, उसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने किसी फ्लूट मेकर की जो बांसुरियाँ हैं उस पर ऐसा कुछ देख लिया होगा
कि हमें इस तरह की बांसुरी बनानी है जिसमें ऐसा लगा हो, इसका यूज़ क्या है? तो इसका कोई यूज़ नहीं है बेसिकली, ये नॉर्मल इसी तरीके से बन सकती है बांसुरी, चाहे जैसे ये वाला टुकड़ा यहाँ लगा दिया हो या ये फिंगर होल पर लगा दिया हो। तो आपको बताया देता हूँ कि ये है क्या बेसिकली, ये क्या चीज़ होती है, बातों को घुमा फिरा के नहीं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता हूँ। जब फ्लूट मेकर से ये छेद निकालने में गलती हो जाती है, मान लीजिए छेद थोड़ा बड़ा हो गया है और स्वर ऊपर निकल जाए, तो फिर फ्लूट मेकर अपनी गलती को छुपाने के लिए ये इस चीज़ का सहारा लेते हैं, ये कैप इसके ऊपर लगा देते हैं और इस पर छेद छोटा निकाल देते हैं। तो आपको दिखने में लगता है कि पता नहीं ये इसका साउंड कैसा होगा, डिफरेंट होगा कुछ, ये क्या, ये नई चीज़ है? नई कुछ नहीं है, ये बेसिकली हमारी, जैसे मैं फ्लूट मेकर हूँ, ये हमारी कमी से हो जाता है। कमी मतलब छेद करते समय कई बार फ्लूट का जो डायमीटर है वो एक्चुअल पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कई बार वॉल थिकनेस ज़्यादा होने के कारण या अंडाकार जो थोड़ा बहुत शेप हो जाता है बांस का, तो इसकी वजह से पूरा परफेक्टली मालूम नहीं पड़ता है कि ये जो इसका डायमीटर एग्जैक्टली कितना है, उसकी वजह से हल्का फुल्का सुर वो ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ये वाली बांसुरी मैंने बनाई थी, किसी कस्टमर के लिए बनाई थी, ई बेस की बांसुरी थी ये, और ये पहला ही छेद निकालते समय इसका पा स्वर जो ऊपर चढ़ गया, अब ऊपर चढ़ गया तो फिर मैंने इस होल को मुझे छोटा करना पड़ा, और मैंने इसके नीचे आप अगर ये कैप को हटा दूंगा तो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज का छेद है, हवा ज़्यादा निकलती है तो स्वर ऊपर चढ़ जाता है और हवा कम निकलती है स्वर नीचे आ जाएगा। तो इसको मैंने सही करने के लिए, बाकी छेद तो मैंने बाद में ठीक कर दिए, ठीक मतलब इसी से आइडिया लग जाता है पहले छेद करते ही कि बांसुरी ऊपर जाएगी या डाउन बजेगी। तो ये पहला छेद करते ही मुझे आइडिया लग गया कि ये बांसुरी ऊपर चढ़ रही है, तो इसी में इसका इलाज हो गया, क्योंकि ये बेसिकली इसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़ बेसिकली ये फिंगरिंग होल का है। और ये वाला जो होल है इसको थाइस से कवर करके बजाते हैं, तो आप अभी ये थोड़ा सा उभर गया है तो इसका आप यूज़ हो सकता है कि थाइस से आपको ये बंद करने में आसानी हो, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट ऊंचा हो गया ये वाला, जब आप आलती पालती मार के बैठेंगे और थाइस से जब इसको बजाएंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, लेकिन बिना इसके ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है। जैसे अभी ये पार्ट है कहीं थाइस में टच करते समय अटक जाए, ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है। वैसे इसका कोई 90% लोग इसका यूज़ करना जानते नहीं है कि ये किस काम में आता है, ये राग यमन बजाने के काम में आता है, तीव्रमा तो ये लोअर सप्तक का जो स्वर है, मंदर सप्तक का तीव्रमा ये स्वर है। तो सुनाता हूँ इस बांसुरी की आवाज़ भी, हालांकि मैंने इसको ठीक कर दिया है बांसुरी को, थोड़ा सा स्वर ऊपर चढ़ गया था। तो उनका सवाल का जवाब ये था कि ये जो ये चीज़ है इसको ब्लोइंग होल पे भी लगा देते हैं कई बार, तो जैसे ब्लोइंग होल करते समय ब्लोइंग होल थोड़ा बड़ा हो जाए तो स्वर ऊपर निकल जाता है, तो इसके लिए ये वाली जो कैप है ये ऊपर लगा देते हैं, बांसुरी ठीक हो जाती है और थोड़ी सी आवाज़ गूंजती भी है इससे, ये लिप प्लेट लगाने से, लेकिन उतनी कुछ खास नहीं गूंजती है उसको। आवाज़ को गूंजने के लिए हम डायमीटर थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं, हल्का सा। तो आइए इस बांसुरी की आपको आवाज़ सुना देता हूँ, ये हालांकि थोड़ी सी खराब हो गई थी बांसुरी, मैंने रिपेयर की है।
स्वर सारे ही बजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको लगाने से। ये होल थोड़ा खराब होने से इसमें हालांकि कोई फर्क पड़ा नहीं है, ये कैप लगा के और मैंने होल को छोटा निकाल दिया। आप देख सकते हैं इसका होल का जो साइज है, जनरली जो बांसुरी रहती है उसमें थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें थोड़ा छोटा निकल गया है। ये देखिए आप बाकी सारे होल से कंपेरिजन करें तो ये वाला होल छोटा है। तो सवाल का जवाब ये था कि इससे वैसे इसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, इसको यहाँ भी जैसे ये स्वर बिगड़ जाए तो यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। आपने जो जहाँ से भी वीडियो देखा है, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से देखा है, लेकिन बेसिकली यही एक कारण है कि उसका बनाते समय स्वर ऊपर निकल जाता है, उसको ठीक करने के लिए ये इस प्लेट का सहारा लिया जाता है। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। अभी इस वीडियो में मैं इसका रेट बताना भूल गया हूँ, ये जो 20 अंक की बांसुरी है ये 4000 रुपये की है। धागे वागे लगा के मिलेंगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार धागे लगवा सकते हैं। ये जो बांसुरी है इसमें हमने ये लास्ट का जो होल है इसको हटा दिया है, इसका कोई यूज़ नहीं है इतनी बड़ी बांसुरी में। तो बेसिकली ये 6 होल की बांसुरी हम आजकल बनाते हैं, इतनी बड़ी सी बेस, सी शार्प बेस, डी बेस और बी संख, ए शार्प संख, ए संख। आपको अगर जरूरत है तो आप बनवा सकते हो, बन जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन बेसिकली इनकी बांसुरी की लंबाई वैसे इतनी ज़्यादा हो जाती है और बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए हमने ये सिर्फ 6 होल ही इसमें किए हैं। आवाज़ दोबारा सुन लीजिए इस 20 अंक की बांसुरी की। बड़ा ही मधुर और डीप साउंड रहता है 20 अंक की बांसुरी का। इसको वही लोग बजा सकते हैं जिन्होंने सी शार्प बेस या सी बेस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस की है। अगर आपने बजाई जी शार्प बेस की बांसुरी रखी है और आप 20 अंक लेने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा आपको फिर पहले डी बेस या सी शार्प बेस या सी बेस की बांसुरी पर अभ्यास करना चाहिए। काफ़ी लोग इतनी बड़ी बांसुरी आवाज़ सुनने से मंगा तो लेते हैं लेकिन उनकी उंगलियाँ नहीं पहुँचती है क्योंकि उन्होंने छोटी बांसुरी बजा रखी होती है, छोटी बांसुरी जैसे इस साइज की। अब इनकी उंगलियों का गैप जो इतना छोटा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बड़ी बांसुरी को बजाने के लिए उंगलियों को ऐसे फैलाना पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखें कि इसको बांसुरी को बजाना इतना आसान नहीं होता, 2-3-4 साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है अच्छी तरह सी शार्प सी बेस की बांसुरी पर, तो ही आप इतनी बड़ी बांसुरी बजा पाएंगे। कई बार क्या होता है कि जिनको पता नहीं होता वो बांसुरी मंगवा तो लेते हैं फिर कहते हैं हमारी उंगलियां नहीं पहुंचती हैं। तो फ्लूट मेकर इस चीज़ का जिम्मेवार नहीं होता अगर आपकी उंगलियां नहीं पहुंचती हैं, तो इसमें कमी जो है अपने बजाने की है, ना कि बांसुरी की कमी है। तो क्योंकि बांसुरी सब आपके ऑर्डर से बनती हैं, तो मेरा जो काम करने का जो सिस्टम है मैं बांसुरियों को चेंज नहीं करता हूँ ना वापस लेता हूँ। चेंज करने का एक ही सिस्टम है कि अगर मेरी बांसुरी की ट्यूनिंग में फ़र्क है, वो भी इंस्टेंट जब मैंने आपको भेजी है आप उस समय बजा के दिखाएं, तो वो सिर्फ तो ही बांसुरी चेंज हो पाएंगी। अगर आपको आपकी उंगलियां नहीं पहुंचती हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने से तो हर चीज़ आसान हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ई बेस की बांसुरी मंगा लेते हैं और कहते हैं उंगलियां नहीं पहुंचती हैं। पहली बार में ऐसा नहीं होता, आपने सी मिडिल की बांसुरी शुरू में बजाई है और आप सीधा ई बेस की बांसुरी ले लेंगे तो हम जरा भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि सी मिडिल के बाद सीधा ई बेस। अक्सर लोगों को ये दिक्कत होती है, आवाज़ सुन के राकेश चौरसिया जी का वीडियो देख लिया है, उन्होंने बजाई है ई बेस की तो सुनने में मधुर लगी और बांसुरी मंगवा ली, फिर कहते हैं हमारी उंगलियाँ नहीं पहुँचती है। उंगलियाँ नहीं पहुँचती हैं इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। राकेश जी की जो प्रैक्टिस है वो सालों की है, आपको सालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आपकी उंगलियाँ पहुँचेंगी। बजा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समय लगता है।
पहली क्लास में जब पढ़ते थे तो 10वीं क्लास तक जाने में आपको 10 साल लगे हैं, तो सेम यही प्रोसीजर बांसुरी का भी होता है। पहले दिन में कुछ नहीं होता, समय लगता है हर बांसुरी को बजने में, उस पर उंगलियाँ सेट होने में। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ई बेस तो बहुत छोटी सी बात है, ए संख की बांसुरी भी आराम से आप लोग बजा सकते हैं। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।